मेरा नाम है कीर्ति अनुराधी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में। वॉवल्स इंग्लिश में होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू। ये पांच वर्ड्स जो होते हैं इन्हें अपन वॉवल बोलते हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर बिना वॉवल के कम्प्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगी कीर्ति मेरे नाम की, इसमें क्या आ रहा है वॉवल आई दो बार, टेबल टेबल में आ रहा है ए और ई, लॉयन लॉयन में आ रहा है आई और ओ, देवास में आ रहा है ई और ए। तो कोई भी लेटर मतलब कोई भी वर्ड सेंटेंस या कुछ भी अपन एक नॉर्मल वर्ड की बात करें तो वो बिना वॉवल के कम्प्लीट नहीं होता। अब वापस अपन रिवाइज करेंगे वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब बात करते हैं अपन रिमेनिंग अल्फाबेट्स की, मतलब ए ई आई ओ के ओ यू के अलावा जो भी ए टू जेड में अल्फाबेट आते हैं बाकी उनको अपन बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, मतलब बी सी डी एफ जी एच और भी आगे जितने भी जेड तक है वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स। इसके आई होप आप लोगों को आज ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।